Let's take it slow. Where you go, I go too. हाँ जी दोस्तों, तो हम फाइनली जोधपुर से जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं। ब्लॉग पूरा देखना, मजे करते हैं। जोधपुर से जैसलमेर 290 किलोमीटर है, जिसका रास्ता काफी शानदार है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर जोधपुर से, और पोखरण में रुक रखे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और भाई कल तो ना मतलब यहाँ पे ठंड कम थी, बट गाइस आज तो यार फोग भी बहुत ज़्यादा है और ठंड तो हद से ज़्यादा। अब हम अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमने कितने लिए हैं, पनीर के पट्टे, हरे चार वगैरह, हल्का ब्रेकफास्ट करके फिर हमें जाना सीधा जैसलमेर। और हम निकल गए थे 6 बजे के आसपास, लेकिन सिंगल रोड है, रास्ता अच्छा, जैसे आपने सब वीडियो में देखा होगा। तो बाकी का वो लोग पूरा देखना और जैसे मैं जाके आपको बताते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। ओके देन गाइस, हम जैसलमेर के काफी पास पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे लेक है, अच्छी है। तो आप जब भी यहाँ पे आना, विजिट करना है। मैंने भी जैसलमेर में आते के साथ सबसे पहले यहीं पे आया हूँ, तो काफ़ी अच्छी है। अब अपना देखते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं। बोटिंग वगैरह के लिए आप देख सकते हो यार, काफ़ी भीड़ वगैरह लगा रखी है पीछे। देखो ये ना, यहाँ पे आप जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है। अब जाएंगे यहाँ पे, अपना देखेंगे और आगे ब्लॉग देखते रहिए, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, तो हम अपना घड़ीसर लेक का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको फटाफट इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अब जैसे हम इस लेक के अंदर एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये मार्केट आपको देखने को मिलती है। लेक जितनी बड़ी है, उसके साथ उतनी ही खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने काफ़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी लेक है। ये लेक जो है पूरे 1.5 किलोमीटर के एरिए में है। हाँ जी, चलिए फिर आप कुछ लेक के बारे में बताते हैं। इस लेक का जो निर्माण हुआ था, वो जैसलमेर के राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। कमाल की बात है भाई, देखो 1156 ईस्वी में इस लेक का निर्माण हुआ था। ये लेक जितनी ज्यादा सुंदर है, उससे ज्यादा बड़ी है। गूगल के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो ये लेक 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की है। इस लेक में काफी बॉलीवुड मूवियों की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चलते रहते हैं। अजय देवगन की काफी फेमस फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम, उसका गाना भी इसी लेक के अंदर ही शूट हुआ था। यह झील एक कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। और जो ये झील है भाई अपनी, ये कभी सूखती नहीं है। और आज के टाइम पर इस झील के अंदर जो पानी आता है, वो इंदिरा गांधी नहर के थ्रू आता है। एंड दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको राजस्थान में जैसलमेर में अगर आप कभी जाते हो और आपको बिल्कुल पीस एरिया चाहिए हो ना भाई, बिल्कुल पीस जिसे कहते हैं, तो आप इसका व्यू देख सकते हो। ये लेक बहुत शांत है, बहुत पीस है। और जब आप इसमें बोटिंग करोगे ना यार,
सच में अलग लेवल वाली शांति मिलती है। जैसे कि आप सामने व्यू में देख सकते हो ना, काफ़ी डिसेंट, काफ़ी यूनिक और काफ़ी साफ सुथरी लेक है भाई, काफ़ी शांति वाली जगह है। अगर आपको शांति चाहिए हो तो भाई यहाँ पे जरूर विजिट करो। बाकी का इस अभी के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने दोस्त को, अपने होस्ट को टाटा बाय बाय करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मिलते हैं, जिसके अंदर हम आपको डेजर्ट सफारी, कैंपिंग वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आगे मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।